लाखों की फीस भरना, हजारों का किराया देना, माचिस की डिब्बियों जैसे कमरों में रहना, अपना घर परिवार छोड़कर दिन रात मेहनत और पढ़ाई करना और एक दिन आईएएस बनने का ख्वाब लेकर कई जगहों से छात्र दिल्ली अपने इन सपनों को पूरा करने आते हैं। लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? मौत। सोचिए, ये कितनी शर्म की बात है कि लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते छात्रों की मौत हो गई। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? करप्ट सिस्टम, चंद पैसे और कमाकर अपनी झोली भरने वाले कोचिंग सेंटर्स, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले ये सड़कों पर बैठे छात्र? दिल्ली कहने को तो देश की राजधानी है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में अगर हल्की सी भी बारिश हो जाए तो सारा का सारा सिस्टम फेल साबित हो जाता है। राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी घुस जाने की वजह से 3 छात्र बेमौत मर चुके हैं और ये पूरी घटना दिल्ली नगर निगम पर फिर से सवाल के निशान खड़ा कर देती है। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर घटना के बारे में अब तक शायद आपने जान लिया होगा। 27 जुलाई की रात कुछ बच्चों के लिए काल बनकर आई, जहां वे अपना भविष्य बनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे थे, वो वहीं दफन होकर रह गए। दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की बेमौत हो गई। उनकी पहचान श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डेलविन के रूप में की गई है। राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर के बाहर और अंदर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां का मंजर कितना खौफनाक होगा। तस्वीरों में देखा गया कि कोचिंग सेंटर के बाहर सड़क पर 2-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहां मौजूद लोगों की कमर तक पानी पहुंच रहा है। हैरान करने वाली तस्वीर कोचिंग सेंटर के गेट की थी, जिसे देखकर मानो ऐसा लगा कि जैसे कोई बांध टूट गया हो। सड़क से पानी कोचिंग सेंटर के अंदर काफी तेज बहाव के साथ घुस रहा था। इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर 27 जुलाई की रात हुआ क्या था। दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्थित है राव कोचिंग सेंटर। वहां के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी थी, जहां पर करीब 35 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। शाम 7 बजे लाइब्रेरी बंद होने पर जैसे ही वो बाहर निकले तो उनके सामने बहुत ही तेज प्रेशर से पानी आ रहा था। इसी दौरान अचानक इतना पानी आ गया कि छात्रों को वहां से निकलने का मौका तक नहीं मिला। जब तक वो सोचते तब तक बेसमेंट में पानी भरने लगा और काफी देर हो चुकी थी कि स्टूडेंट्स खुद को अलर्ट कर सके। जितने में स्टूडेंट्स लाइब्रेरी खाली करने का सोचते, उतनी देर में उनके घुटनों तक पानी भर चुका था। बहाव इतना तेज था कि वो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पा रहे थे। चश्मदीद छात्रों के मुताबिक सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फुट पानी भर गया। वहां से निकलने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी इतना गंदा था कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पर जैसे तैसे वहां से एक एक करके बच्चों को निकाला गया। गेट की तरफ से इतना तेज प्रेशर आ रहा था कि छात्र सही से सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे थे और पलक झपकते फ्लैश फ्लड की तरह पूरे बेसमेंट में पानी भर गया और इसमें 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। फायर ब्रिगेड को जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई तो वो लोग वहां तुरंत पहुंचे। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर दिल्ली पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 शव बरामद किए। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में अभी भी और स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। मोटर के जरिए पानी निकाला जा रहा है और छात्रों की तलाश जारी है। बता दें, दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने इस हादसे को लेकर कहा है कि एक नाले या सीवर के फटने से बेसमेंट में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 105, 106(1), 152, 290 और 35 बीएनएस में एफआईआर दर्ज कर ली है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के बाद से कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र एमसीडी और कोचिंग सेंटर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी जानकारी आतिशी ने दी। ये भी जानकारी मिली है कि कोचिंग सेंटर में बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ स्टोरेज के लिए किया जाना था, लेकिन नियमों के उल्लंघन के बावजूद
कोचिंग सेंटर ने यहाँ लाइब्रेरी बनाई और छात्रों को मौत के मुंह में ढकेल दिया।